अब्दुल्ला एक शख्स था यहूदी वो इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर आ गया दारुल इस्लाम में हजरत उस्मान रजी अल्लाह और एक बगालता मैं चाहता हूं फर्स्ट इंस्टेंस नफा कर आम तौर पर इतनी गलत तरीके से तारीख बयान हुई है कि हजरत उस्मान के ऐहद खिलाफत को समझते पूरा का पूरा ऐद खिलाफत गालिबन फित के अंदर था और इख्तलाफा ही थे और खाना जंग अल्लाह ऐसा नहीं था तवील तरीन दौर जो है दौरे खिलाफत हजरत उस्मान का है, बारह साल हजरत अबू बकर के सवा दो ढाई साल हजरत उम्र के दस साल दोनों को जमा करेंगे तो उस्मान का और उसमें दस साल बिल्कुल उसी शान के हैं जो हजरत उम्र के ख़िलाफ़त के शान है कोई इख्तलाफ नहीं और फतूहत का दायरा बढ़ता चला जा रहा है थमता ना था किस से सहल रवा हमारा उसके आखिरी अयाम में यह शख्स आया और इसने एक तो यह किया कि पुरानी जो कबायली असबियत थी उसको जिंदा किया खिलाफत तो बनू हाशिम का हक है मोहम्मद हाशमी थे सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला हाउ कम ये एक बनु मैया का शख्स कैसे बैठा है देखिए उस शख्स ने कितना इंतजार किया हजरत अबू बकर बनू मैया में से नहीं थे लिहाजा ये फितना उसके खिलाफ नहीं हो सकता था क्योंकि चश्मक जो थी वो बनू मैया और बनू हाशिम की थी बड़ी पुरानी थी ये बड़े बराबर के ये दो क्लैंस जो थे मध्य मुकाबिल थे एक दूसरे के बाकी छोटे कबीले थे बनू तीम है बनू अदी है लेकिन मुकाबला था बनू मैया और बनु हाशिम का हजरत अबू बकर बनु तीम में से हजरत उमर बनु अदी में से बन में से हजरत उस्मान अब इसको मौका मिला अब आया ये, ये मूवी ये बन गया ये सब गासीब है अबू बकर भी उमर भी उस्मान भी खिलाफत पहले दिन से अली की है और उसको मिलनी चाहिए इससे आगे बढ़कर और अली तो खुदा है इनकारनेट गॉड इनकारनेट ये उसका अकीदा जिसने फैलाया यूं समझिए एक शख्स ने हजरत ईसा के दिन को जीरो कर दिया था लोग मानते नहीं कि एक शख्स इतना कुछ कर सकता है यहूदी और साजिशी जहन उनकी सलाहियत और जहानत एक शख्स था पॉल हजरत ईसा को खुदा का बेटा बनाने वाला वो तोहिद खत्म तसलीस आ गई शरीयत को खत्म करने वाला वो हजरत ईसा कहकर गए थे तुम पर शरीयत मुस्वी नाफिज रहेगी उसने कहा नहीं हजरत ईसा ने कहा था तुम्हें तबलीग करनी है सिर्फ यहूदियों तक आई ओनली इन सर्च ऑफ लॉस्ट शीप ऑफ हाउस ऑफ इसराइल मैं सिर्फ इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों की तलाश में आया हूं तो मैं बाहर तब्लीग नहीं करनी इसने तब्दील का दायरा वसी किया वो दीन मसीहियत खत्म वो दीन पॉलिज्म है जो चला है उसके बाद समझ रहे इस बात को और ये डॉक्टर माइकल हार्ट ने बिल्कुल सही सही लिखा है कि क्रिस्टनिटी जब तक हजरत बसी मौजूद थे वो सिवाय एक यहूदियों के फिरके के उसकी कोई और हैसियत नहीं थी लेकिन पॉल ने उसे एक इंडिपेंडेंट दीन बनाया एक शख्स की कार्रवाई है ये सारी और आज पूरी दुनिया पूरी सारी दुनिया उसी पर है तश्लीस पर भी और शरीयत खत्म और दावत जो है करते फिर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर इसी तरह इसने किया कबायली असबियत को छेड़ा और हजरत अली का मुबालगा किया ये खुदा है अवतार गॉड इनकारनेट तीसरा काम क्या किया कि उस्मान रजी अल्लाह और उनके जो आमिलीन थे गवर्नर कोफे का है गवर्नर शाम में दमिश में है गवर्नर मिस्र में है उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया ये बैतुलमाल में ख्याल कर रहे हैं ये गबन कर रहे हैं ये अपने अजीजों को जो है पाल रहे हैं उनको दे रहे हैं वो अकरबा परवरी कर रहे हैं और ये कर रहे हैं टेक्निक कैसी अजीब कूफे में कूफे के गवर्नर के खिलाफ बात नहीं करेंगे दमिश्क और मिस्र के गवर्नर के खिलाफ बात करेंगे अब कहां दुनिया के पास जराए थे कि कोई वेरीफाई करे भाई ये बात सही है कि नहीं है गलत है ना कोई जराए रसाइल हैं और अगर है। आप कूफे में खड़े होकर उस्मान के उमान ने यह कर दिया कर दिया कर दिया ये कर दिया अब कौन उसको जो है उसकी तहकीक कर सकेगा दमिश में गए हैं तो दमिश के गवर्नर के खिलाफ कुछ नहीं उस्मान के खिलाफ और कुफे के गवर्नर के खिलाफ और मिस्र के गवर्नर के खिलाफ मिस्र में गए हैं तो उसके खिलाफ कुछ नहीं दमिश और कुफे के गवर्नर के खिलाफ और उस्मान के खिलाफ और फिर हर तरफ से बलवाइयों को लाकर घेराव कर लिया हजरत उस्मान के घर का ये तहरीक है जो बहुत जबरदस्त कामयाबी से हमकिनार हुई है यहूदी साजिश अब तमाम साहबा कह रहे हैं हजरत उस्मान से कि आप हमें मौका दें कि हम इनका सर कुचल दें आप फरमाते नहीं ये मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं ना मैं वजाहत करता हूं अपने घर की छत के ऊपर खड़े होकर आपने कहा देखो ये मैंने नहीं किया ये मैंने नहीं किया मेरे ये एहसानात भूल गए हो हजरत अली ने मस्जिद नबी में खड़े होकर जितने इल्जाम लगाए थे उन सब की तरफ से बरात का मामला किया झूठ कि कह रहे हो तुम तो। उस्मान पर कोई गलती जो है कोई खयानत साबित नहीं लेकिन जंग की इजाजत हजरत उस्मान नहीं दे रहे ये मेरे खून के प्यासे हैं ना जब तक कत्ल नहीं कर लेते जुर्म कहां है जब कत्ल कर लेंगे तुमके सा दे लेना लेकिन मैं किसी कलमा गो की जान नहीं लेना चाहता सिर्फ अपनी जान के तहफुज में ये है अजीमत का पहाड़ लोग कहते कमजोर थे जान बचाने के लिए तो आदमी पता नहीं क्या कुछ कर बैठता और ताकत हो तो ताकत को कैसे इस्तेमाल करेगा हजरत अमीर मुआविया की तरफ से पैगाम पर पैगाम आ रहे हैं कि आप हमें इजाजत दें मैं फौजें भेजूं और इनका कला कमा कर दिया जाए हजरत अमर मिलास का पैगाम आ रहा है मिस्र से आप हमें इजाजत दें तलहा जुबैर आली इजाजत मांग रहे हैं मदी ने कह आप इजाजत दे के हम जंग करें इनसे नहीं आखिरकार हज़रत अली ने दोनों बेटों को हजरत हसनैन हजरत हसन हजरत हुसैन दरवाजे पर खड़ा कर दिया पहरेदार हजरत उस्मान के हजरत हसन हजरत हुसैन के कोई घर में दाखिल ना होने पाए पिछवाड़े से आए हैं और शहीद किया है मेरे नज़दीक तारीख की मजलूम तरीन शहादत बमानी मकतूल फी सबी ला हजरत ऊस्मान है बल्कि मैं जुरत कर रहा हूं जरा आपको मालूम है अमामा इकबाल से मुझे कितना ताल्लुक़ कलबी है मैंने उनके एक शेर में तरमीम की है मैं समझता हूं उन्होंने सही नहीं कहा गरीब व सादा और रंगी है दास्तान हरम नेत उसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल हजरत इस्माइल को अल्लाह ताला के हुम से हजरत इब्राहिम ज़िबा कर रहे थे ना और हजरत हुसैन ज़िबा कर दिए गए तो गोया के इब्तदा जिस की हुई थी हजरत इस्माइल से उसकी इंतहा हुसैन पर हुई मैं कहता हूं बिल्कुल गलत उनको ज़िबा कर रहा था खलीलुल्लाह और इनको कत्ल कर रहे यजीदी और जयादी और कोफी तकाबुल है वो कत्ल नहीं हुए ये कत्ल हो गए उन्होंने पेशानी खुद रख दी यहां तो हजरत उस्मान लड़ते हुए हजरत हुसैन लड़ते हुए शहीद हुए कौन सी चीज मुश्तरक है एक बिस्ले में जमा कर दिया है सनत लफ्जी तो आप कहते हैं उसको लेकिन क्या मुश्तरक क्या चीज है और मैंने उम्मीद है अला इकबाल से मुलाकात होगी अगर आखिरत में तो वो मेरी इस बात को तस्लीम करेंगे मैंने इस शेर का दूसरा जो मिसरा है बदला है नहायत उसकी है उस्मान इब्तदा हाबील हाबील जिन्होंने कहा था भाईजान आप मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएंगे तो मैं अपना हाथ नहीं उठाऊंगा आपको कत्ल करने के लिए उस्मान ने कहा कि मैं नहीं किसी को कत्ल करूंगा किसी कलमा गो को ता जो मुझे कत्ल कर देंगे फिर उनसे किसास ले लेंगे उस्मान के पास लाखों की फौज स्टैंडिंग आर्मीज़ फिर भी उन्होंने अपनी जान दे दी हजरत हुसैन बहरहाल जितने भी अफराद थे बहादुरी से शुजात से लड़ते हुए शहीद हुए इसमें कोई शक नहीं लेकिन लड़ते हुए शहीद हुए ना हाबील की तरह ये तो नहीं कहा कि तुम मुझे करते हो तो कर दो मैं तो तुम्हें कतल नहीं करूंगा नहीं। बहरहाल ये जो था फितना इसको कहा है और इसको किताब में लिखा गया बाकायदा एक तस्लीफ अल कुबरा अजीम तरीन फितना हजरत उस्मान की शहादत उस वक्त अब्दुल्ला इब्ने सलाम रसी अल्लाह यहूदी आलिम दीन थे जो इस्लाम ले आए थे उन्होंने कहा था लोगो डरो उस्मान के खून का न बहाना मैं जानता हूं तारीख बनी इसराइल की अगर कभी कोई नबी जो है अगर शहीद किया गया तो सत्तर हजार आदमी उसके बाद मारे गए अल्लाह ताला की तरफ से और नबी का अगर कोई खलीफा कत्ल किया गया तो पैंतीस हजार आदमी मारा गया है तो अगर तुमने उसमान को कत्ल कर दिया तो ये खून के दरिया जो है फिर आ जाएंगे उम्मत के अंदर बाज आ जाओ खुदा के लिए बाज आ जाओ लेकिन नहीं बहर हजरत अली रजी अल्लाह तु ने बुलाया अब्दुल्ला इब्न को अपने हां तुम कहते हो कि मैं खुदा खुदाऊं हां आप खुदा हैं तोबा करते हो कि नहीं मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा जला दो तुम खुदा हो हमारी आजमाइश कर रहे हो? हजरत अली ने अब्दुल्ला इबन सबा को चालीस साथियों समेत जिंदा झलवाया और यह सारा कुछ मामला जो है ये मैंने आपको बताया अहले तशैयों की किताबों में मौजूद है बहरहाल ये फितनतुल कुबरा है जिसका नतीजा क्या निकला है आप अच्छी तरह समझिए वो शहादत अल्लास का जो सैलाब जा रहा था जिसकी शान क्या थी अल्लामा इकबाल के अल्फाज में थमता न था किसी से सैले रवा हमारा ये श्राध ये जो सैल था कोई रोकने वाला था दो सुपर पावर्स थी उस वक्त ईरान रूम ईरान के चीठड़े खत्म टूट गए रूम की दो टांगे टूट गई अब कौन रोकने वाला था ये इंटरनल सेबोटाज उसके बाद जो बाहमी खाना जंगी शुरू हुई है एक लाख मुसलमान एक दूसरे की तलवारों और नेजों से खत्म हो